हरियाणा में पंचायती चुनाव शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से आरंभ हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं अम्बाला पुलिस द्वारा भी अम्बाला में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि जिले को 6 ब्लॉक में बांटा गया है। अम्बाला के 2 बड़े ब्लॉकों पर एक अन्य डीएसपी की भी ड्यूटी लगाई गई है। सभी पार्टियों के साथ 5 से 6 पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। 9 पेट्रोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जो 400 लोकेशन में से 40 संवेदनशील जगहों पर तैनात रहेंगी। इसके साथ ही ईआरवी गाड़ियां काम करेंगी। सभी इलाकों में चेकिंग के लिए 40 नाके लगाए गए हैं, ताकि कोई भी शरारती तत्व कोई हरकत न कर सके। इसके साथ ही हथियार जमा करवाने के लिए आज आखिरी तारीख है। यदि कोई अपने हथियार किसी विशेष कारण से रखना चाहता है, तो उसे एसपी दफ्तर से अनुमति लेनी होगी। यदि किसी के पास बिना वजह हथियार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अम्बाला पुलिस द्वारा डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पंचायत और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के इलेक्शंस के मद्देनजर किए गए हैं। हमारे जिले के अंदर 9 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति की इलेक्शन होगी और 12 तारीख को पंचायतों और पंचों की इलेक्शन होगी। इसके लिए हमने जो पूरा हमारा जिला है, उसको 6 जो हमारे ब्लॉक्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया। हर ब्लॉक का हमारा डीएसपी लेवल गेजेटेड ऑफिसर उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का इंचार्ज होगा। और जो हमारे 2 ब्लॉक हैं जो कि बड़े हैं, जैसे कि नारायणगढ़ ब्लॉक और हमारा जो नारायणगढ़ सब डिवीजन और जो सदर और नकल का एरिया है, वहाँ पे जो जीओज हैं उनकी असिस्टेंस के लिए एक एक साथ में और डीएसपीज को अटैच किया गया। फर्दर जो जैसे कि हमारे पूरे जिले के अंदर लगभग 600 बूथ हैं और लगभग ये 600 बूथ 400 लोकेशंस के ऊपर स्थापित हैं। इसके लिए हमने पूरे जिले की वल्नरेबिलिटी मैपिंग की है, जिसके बाद हमने जो हमारे सेंसिटिव या वल्नरेबल बूथ्स हैं उनको हमने 40 ऐसी लोकेशनों को और ऐसे गाँव को हमने आइडेंटिफाई किया जो सेंसिटिव हैं, और वहाँ पे हमारी एडिशनल फोर्स वहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी जो हमारी पूरा जिला है उसको हमने 52 सेक्टर्स के अंदर बांटा है, जहाँ पे हमारे 52 पेट्रोलिंग पार्टीज तैनात रहेंगी। हर पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर साथ में उनके ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रहेगा और लगभग 5 से 6 पुलिसकर्मी हर पेट्रोलिंग पार्टी के अंदर रहेंगे। ये हमने इस प्रकार से बनाया है ताकि किसी भी बूथ के ऊपर हमारा जो रिस्पांस टाइम है बिल्कुल कम से कम रहे और हर पेट्रोलिंग पार्टी के पास लगभग 7 से 8 गांव ही एक पार्टी के पास आते हैं। फर्दर जो ये पेट्रोलिंग पार्टीज 52 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, इनको सुपरवाइज करने के लिए हमने एक इंस्पेक्टर लेवल की पेट्रोलिंग पार्टियाँ बनाई हैं। ये 9 पेट्रोलिंग पार्टियाँ जिले के अंदर कार्य करेंगी और इनके पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल प्रॉपर एंटी राइट गियर के साथ रहेगा। और इसके बाद इनके ऊपर हमारी जीओस की पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, जिनके साथ भी सफिशिएंट मात्रा में फोर्स।